Dear students, assalamu alaikum. Welcome to your DLD lab demonstration. Today's agenda is experiment number 6. इससे पहले आप लोग 5 labs already physical campus में perform कर चुके हैं. So I hope that बहुत ज़्यादा basics से चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आज का agenda full subtractor के बारे में है. एंड इससे पहले आप लोग हाफ एडर एंड हाफ एंड फुल एडर ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सिमिलर है. फुल एडर के अंदर हम 3 इनपुट्स को एक्चुअली ऐड करते हैं, तो फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर भी हम उनको ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे. मैंने यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स बनाया हुआ है. दिस ब्लैक बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ फुल सब्ट्रैक्टर. एंड इसके अंदर 3 इनपुट्स हैं, ए बी एंड सी, एंड 2 आउटपुट्स हैं, डी एंड बी. हम इनपुट्स का अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं. एंड इन दिस केस डी इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंस एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग बोरो आउट, right? And A is actually your minuend, and subtrahend के बारे में आप theory में I hope so पढ़ चुके हैं. So मैं आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा revision दूंगी. And B is actually your subtrahend. And C is your borrow in input. बोरो इन इनपुट के बारे में आप सिंपली आप ये समझ लें कि जब आपने फर्स्ट टाइम माइन्यूएंट में से सब्ट्रेहेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपका रिजल्टेंट जो भी आया उसमें से आपने बोरो इन को सब्ट्रैक्ट करना है. सो एक्चुअली में हो ये रहा है कि बोरो इन लास्ट स्टेज के ऊपर अगेन सब्ट्रेहेंट बन जाता है. सो हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन एक्चुअली परफॉर्म किस तरह होती है. बिफोर दैट हम इसके अंदर 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस फुल सब्ट्रैक्टर. फर्स्ट स्टेप इज दैट हमें इसका सर्किट डिजाइन करना है, सॉरी ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है. सेकंड स्टेप इज दैट हमने उस ट्रुथ टेबल को देखते हुए बुलियन एक्सप्रेशंस डिराइव करनी है. एंड आफ्टर दैट हम उन बुलियन एक्सप्रेशंस को लेकर चलते हुए हम एक सर्किट डिजाइन करेंगे. सर्किट डिजाइन का प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है जो इससे पहले आप थ्योरी और लैब के अंदर करते रहे हैं. और सर्किट डिजाइन जब आपने एक दफा कर लिया तो हम लास्ट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. यहाँ पर आपको मल्टीसिम रेफर किया गया है, तो प्रेफरेबली आप मल्टीसिम ही यूज करें. मल्टीसिम के अलावा किसी सॉफ्टवेयर की आपको इस लैब के लिए लैब को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप पे. फर्स्ट स्टेप में हमने ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है. तो ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी एंड सी. ए ऑब्वियसली हमारे पास माइन्यूएंड है, बी हमारे पास सब्ट्रैहेंड है, और सी हमारे पास बोरो इन है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट डी और बी आउट इसके अंदर क्या वैल्यूज आती हैं. फर्स्ट केस में देखते हैं माइन्यूएंड वो वैल्यू है जिसमें से सब्ट्रैहेंड ने सब्ट्रैक्ट होना है. तो आपके पास एम के अंदर फिलहाल हम एम एस बी के बजाय हम ए बी और सी टर्मिनोलॉजी ही यूज कर लेते हैं. तो ए में से बी ने सब्ट्रैक्ट होना है. तो 0 माइनस 0 मीन्स आपके रिजल्टेंट में है 0, और आपने इस जो रिजल्टेंट आया इसमें से लास्ट बिट आपने सब्ट्रैक्ट करनी है, मतलब सी आपने सब्ट्रैक्ट करना है. तो 0 माइनस 0 इज अगेन 0. तो जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आई वो आपकी एक्चुअली डिफरेंस में जाएगी. सो आपकी डिफरेंस वैल्यू यहाँ पर रहेगी 0, और बोरो आपका ऑलरेडी 0 ही रहेगा. व्हाई? बिकॉज बोरो हमें इस रिजल्टेंट तक पहुंचने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमें बोरो बिट भी 0 ही रखनी है. सेकंड केस पे जाते हैं. सेकंड केस के अंदर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है. सो 0 माइनस 0 रिजल्टेंट के अंदर रहा 0. अब थर्ड केस के अंदर कुछ चीजें डिफरेंट हो गई हैं. थर्ड केस के अंदर जब आपने 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सो दिस मींस के आपके पास माइन्यूएंड की वैल्यू
मतलब b अब आपका minuend बन चुका है. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू छोटी है कंपेयर टू योर न्यू सब्ट्रैक्टेंट. सो जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको वन बोरो करना पड़ेगा. तो वन बोरो जब आपने कर लिया तो आपकी बोरो बिट वन हो गई. बट डी में क्या आएगा, डी इज फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू. तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आपने जब वन बोरो किया तो आपकी बेस वैल्यू अब क्या हो गई है. पहले वो जीरो थी, अब आपने वन बोरो कर लिया तो बोरो करने के बाद बेस वैल्यू अब टू हो गई है. वाई? क्योंकि आपके पास बाइनरी के अंदर बेस वैल्यू टू ही होती है. इवन अगर आप डेसिमल या ऑक्टेट या हेक्साडेसिमल के अंदर भी जब भी बोरो करते हैं तो आपकी बेस वैल्यू एक्चुअली बोरो होती है. सो आपने क्या किया कि टू अब होगी क्यों, टू प्लस जीरो. एक्चुअली जब आप डेसिमल के अंदर बोरो करते हैं तो इट बिकम्स टेन प्लस जो भी ऑलरेडी वैल्यू पड़ी होती है. तो यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू जीरो पड़ी हुई है तो टू प्लस जीरो इज एक्चुअली टू. सो आपने अब आपका रिजल्टेंट बन गया टू. टू में से आपने वन सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट केस में. सो आपका डिफरेंस की फाइनल रिजल्टिंग वैल्यू आ गई वन, राइट? तो आपके आपने देखा कि जब जब आपने जीरो माइनस वन किया तो डिफरेंस और बोरो दोनों के अंदर वन वैल्यू आ गई. अब हम थर्ड केस के अंदर जाते हैं. थर्ड केस के अंदर आपने जब जीरो माइनस वन किया तो ऑब्वियसली आपको वन बोरो करना पड़ा और वन बोरो करने के बाद आपकी जो बेस वैल्यू थी वो टू हो गई जीरो के बजाय. टू माइनस वन मीन्स कि आपकी यहाँ पर वैल्यू आ गई रिजल्टेंट वन, एंड वन में से आपने फाइनली जीरो सब्ट्रैक्ट करना है. सो दिस मीन्स दैट आपकी डिफरेंस के अंदर वैल्यू वन ही रहेगी, एंड बोरो आपने चूंकि वन किया था तो इसलिए बोरो की वैल्यू भी वन रहेगी. फोर्थ केस में जीरो माइनस वन मीन्स कि इसकी बेस वैल्यू अब टू हो गई है. टू माइनस वन मीन्स कि आपके रिजल्टेंट में आ गया वन, एंड वन माइनस वन मीन्स कि आपकी डिफरेंस के अंदर अब जीरो आ गया है, राइट? बोरो हमने किया था तो इसलिए बोरो बिट वन रहेगी. सिर्फ डिफरेंस के अंदर फर्क ये पड़ा कि वो भी जीरो हो गया. अब हम फिफ्थ केस पे आते हैं. वन माइनस जीरो रिजल्टेंट के अंदर आ गया वन, एंड वन माइनस जीरो अगेन वन. सो आपके डिफरेंस में वन रहा, बोरो में जीरो रहा. क्यों? हम क्योंकि हमें कुछ भी बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ी. सिक्स्थ केस में देखते हैं. वन माइनस जीरो रिजल्टेंट के अंदर वन, एंड वन माइनस वन मीन्स कि आपके डिफरेंस में जीरो है एंड बोरो में भी जीरो है. सेवन्थ केस में देखते हैं. वन माइनस वन रिजल्टेंट में जीरो रहा, जीरो माइनस जीरो जीरो. सो आपके डिफरेंस ऑफ बोरो दोनों में जीरो रहा. एंड फाइनल लास्ट केस के अंदर वन माइनस वन रिजल्टेंट जीरो, एंड जीरो माइनस वन के अंदर एक हमें ऑलरेडी पता है कि डिफरेंस ऑफ बोरो दोनों के अंदर वन ही आएगा, राइट? अब हमने ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लिया. अब हम नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप है हमारा बुलियन एक्सप्रेशंस डिराइव करना. तो बुलियन एक्सप्रेशंस डिराइव करना करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. आप इससे पहले के मैप्स भी पढ़ चुके हैं और इसके अलावा आप डायरेक्ट मेथड्स भी पढ़ चुके हैं. तो आपको जो आसान लगता है या जो आपको मोस्ट सूटेबल मेथड लगता है आप उसी को फॉलो करें. तो हम यहाँ पर के मैप देखते हैं. के मैप हमने बनाया, दो आउटपुट्स हैं तो दैट मीन्स कि हमारे पास दो के मैप्स बनेंगे और एक डिफरेंस है और एक बोरो है. पहले हम डिफरेंस का बनाते हैं. और एट इनपुट्स हैं, एट कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब कि हमारे पास के मैप की शेप कुछ इस तरह से बनेगी. ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड बी एंड सी ऑन द राइट हैंड साइड. ए की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 0 एंड 1, एंड बी और सी की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0. अब हम इसको फिल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग दिस इज 0 1 1 0 एंड 1 0 0 1. नाउ वी कैन सी दैट डिफरेंस के अंदर हमारे पास कोई भी 1 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा. सो दिस मीन्स कि आपके पास के मैप बनाने का कुछ खास फायदा नहीं हुआ.
अगर आप डायरेक्ट लिख लेते तब भी इसका आंसर यही आना था. सो डिफरेंस के लिए हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं. फर्स्ट वन आ रहा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग आपके पास ए की वैल्यू है 0, बी की 0 एंड सी की 1. सो ए इज अ कॉम्प्लीमेंट, बी इज अ कॉम्प्लीमेंट और सी चूंकि 1 है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे. प्लस सेकेंड वन आ रहा है यहाँ पे, ए इज अ कॉम्प्लीमेंट, बी एज इट इज एंड सी इज अ कॉम्प्लीमेंट. प्लस थर्ड वन आ रहा है यहाँ पे, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट. प्लस फोर्थ लास्ट वन आ रहा है ए बी सी, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 नहीं है. आफ्टर दैट हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इफ पॉसिबल. तो मुझे बताहिर नजर आ रहा है कि इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है. तो हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इफ यू रिमेम्बर कि आपके फुल एडर के अंदर भी एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशन बनी थी और उसको भी हमने सिमिलर तरीके से ही सिंप्लीफाई किया था. ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड टू टर्म्स में से हम ए को कॉमन ले लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी. वी कैन सी दैट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एक्स ऑर गेट, और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ नॉर गेट. वी ऑलरेडी नो दैट एक्स ऑर एंड एक्स नॉर जो है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. सो दिस मीन्स दैट अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट को भी एक्स ऑर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ. तो कैसे करेंगे कि मैंने ए कॉम्प्लीमेंट और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी इनपुट्स थी उन कॉम्बिनेशन को मैंने एक एक्स ऑर गेट से रिप्लेस कर दिया. तो बी एक्स ऑर सी, दिस सिंबल इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एन एक्स ऑर गेट प्लस ए, और इसके अंदर मैं इसको क्या करती हूँ बी एक्स ऑर सी लिखकर उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर लेती हूँ. क्यों? क्योंकि आई ऑलरेडी नो दैट एक्स नॉर इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स ऑर, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं. तो अब फाइनली मैं अगर रिप्रेजेंट करना, इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई करने की भी अभी गुंजाइश है. हाउ आई कैन सी दैट लेटर. फर्स्ट मैं क्या करती हूँ कि लेट से बी एक्स और सी इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एक नया वेरिएबल नाम ले लेती हूँ एक्स, एंड आफ्टर दैट मैं इस एक्स को पुट करती हूँ इस प्रीवियस इक्वेशन के अंदर. तो ये इक्वेशन बताती है कि ए कॉम्प्लीमेंट एक्स बन गया, यानी बी एक्स और सी की जगह मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया है. प्लस ए की जगह ए के साथ ए डॉट क्या बन गया, एक्स कॉम्प्लीमेंट. नाउ आई कैन सी कैट दैट ए कॉम्प्लीमेंट एक्स प्लस ए एक्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अनदर एक्स और गेट. तो इस एक्स और गेट की जगह मैं एक सिंबल पुट कर देती हूँ ए एक्स और एक्स, राइट? बिकॉज इससे पहले जो मैं ऑलरेडी डेरिवेशंस कर चुकी हूँ पिछले लैब्स में, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ऑलरेडी पता है ये चीज़ दैट ए कॉम्प्लीमेंट एक्स प्लस ए एक्स कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एन एक्स और गेट. अब मैं एक्स की जगह इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देती हूँ, वो ओरिजिनल वैल्यू है बी एक्स और सी. ए एक्स और एक्स की जगह बी एक्स और सी. सो दिस मीन्स दैट मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी कुछ इस तरह से, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा. और इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके सिर्फ और सिर्फ दो गेट्स तक महदूद कर दिया है, दैट इज दो एक्स और गेट्स. एक ए और बी के दरमियान, एक बी और सी के दरमियान लगेगा और एक ए और बी और सी कॉम्प्लीमेंट सी और इन दोनों के दरमियान लगेगा, राइट? हम आपकी मर्जी है कि आप ब्रैकेट वाली टर्म पहले इंप्लीमेंट कर लें या बाद में करें या तीनों को इकट्ठा कर लें, इट डजंट मैटर एट ऑल. इसकी सीक्वेंस से आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब हम सेकेंड आउटपुट को देखते हैं. डिफरेंस के लिए तो हमने बना ली, अब हम बनाते हैं बोरो के लिए. बोरो के लिए एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे.
आपको एक के मैप बनाना है। के मैप ना भी बनाएं और आप डायरेक्टली अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसकी क्या हो सकते हैं, 0 1 1 1 एंड 0 0 0 1, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं किस तरह से, कि हमारा पहला पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, तीसरा पेयर ये बन रहा है। तो इसका मतलब कि आप अगर इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ही लिखना चाहेंगे तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो बोरो के लिए क्या बनेगी, पहला पेयर आ रहा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है 0 और 1। सो हम बी को ओमिट कर देंगे इस इक्वेशन में से, फर्स्ट टर्म हम बना रहे हैं। तो पहली ऑर्डर पेयर से एक्सट्रैक्ट होगी फर्स्ट टर्म, तो हम इसके अंदर ए की वैल्यू सेम है बट वो 0 है, तो हम इसको ए को एज अ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे डॉट, और सी हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि सी की वैल्यू 1 है। प्लस सेकेंड ऑर्डर पेयर है ये वाला, और इसके अंदर ए की वैल्यू 0 है, सेम है, और बी की वैल्यू भी सेम है 1 1, सिर्फ और सिर्फ सी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम सी को ओमिट कर देंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा क्योंकि ए की वैल्यू 0 है डॉट सी बी। प्लस अब लास्ट ऑर्डर पेयर आ रहा है ये वाला, इसके अंदर आपके पास ए की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम ए को ओमिट कर देते हैं और बी और सी को हम एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि उन दोनों की वैल्यूज 1 है। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपने इस इक्वेशन को जब के मैप के जरिए डराइव किया तो ये काफी सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। हाउएवर हम इसको फर्दर देखते हैं कि इज इट पॉसिबल दैट हम इसको विदाउट के मैप्स अगर सॉल्व करें तो क्या ये मजीद फर्दर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे सकता है या नहीं दे सकता। तो उसके लिए हम एक ट्रायल बेसिस के ऊपर विदाउट के मैप हम इसकी इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो बोरो के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, फर्स्ट 1 आ रहा है यहाँ पे, सेकेंड आ रहा है यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ, राइट। तो इसके लिए मेरे पास इक्वेशन बन रही है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें तो दिस विल बिकम बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड 2 टर्म्स में से हम बी सी को अगर कॉमन ले लें तो इट विल बिकम ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। तो ये टर्म ऑलरेडी मुझे पता है ब्रैकेट के अंदर, दिस इज एंड रिप्रेजेंटिंग एन एक्सआर गेट जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्सआर सी प्लस बी सी, वाई, बिकॉज ये टर्म जो है ये 1 हो गई है, एनीथिंग ऑर्ड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। सो मेरे पास बोरो की 2 इक्वेशंस आई, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। अब आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि आपको ज्यादा सूटेबल कौन सी लगती है, बोथ इक्वेशंस आर करेक्ट और आप अपनी मर्जी से इन दोनों में से कोई सी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन एक ये भी आई है, लेकिन ये इक्वेशन मैं इसलिए इसको प्रेफर नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबी इक्वेशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने में मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इसके अंदर मुझे कॉम्पोनेंट्स की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। मैं इस चीज़ों को सिंप्लीफाई रखना चाह रही हूँ टू इम्प्लीमेंट दिस, तो मैं अपनी आसानी के लिए इन दोनों में से या ये वाला सेलेक्ट कर सकती हूँ या ये वाला सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो मुझे बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी, इसको मैं इम्प्लीमेंट ना करूँ, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मुझे एक नॉट गेट, 3 एंड गेट्स और 2 और गेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। हाउएवर जब मैं ये सेकेंड वाली एक इस वाली इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एक नॉट गेट की ज़रूरत पड़ती है
दो एंड गेट्स की जरूरत पड़ती है और एक और गेट की जरूरत पड़ती है, और एक्स और का जो गेट है ये ओमिट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक्स और बी, एक्स और सी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका होगा इन डिफरेंस. वी ऑलरेडी नो दैट हमने जब सर्किट डिजाइन करना है फुल सब्ट्रैक्टर का, तो हम सर्किट एक ही बनाएंगे जिसके अंदर दो आउटपुट्स होंगी, एक डिफरेंस होगी और एक बोरो होगी. तो डिफरेंस के अंदर बी एक्स और सी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, तो दिस मीन्स कि हम इस गेट को ओमिट कर सकते हैं इस सेकेंड केस के अंदर. तो अगर आप अपनी मर्जी से फर्स्ट केस को भी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है. तो लेट्स सी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. फोर्थ और लास्ट स्टेप के ऊपर हम, सॉरी थर्ड स्टेप को हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सर्किट डिजाइन कैसे होगा. मेरे पास तीन इनपुट्स हैं, ए बी एंड सी, राइट? तो पहले मैं बना रही हूँ डिफरेंस. डिफरेंस के लिए मुझे बी और सी इन दोनों के दरमियान एक्स और गेट लगाना है, एंड आफ्टर दैट जो आउटपुट आई इसको एक्सॉर कर देना है ए के साथ, राइट? और जब मैंने यहां तक इम्प्लीमेंट कर लिया तो अब मुझे देखना है कि जो सेकंड पार्ट है बोरो वाला, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं. तो इस आउटपुट का नाम हो गया डिफरेंस. नाउ ये मुझे फर्स्ट एलईडी वन के अंदर लग जाएगी ये इनपुट, ये आउटपुट सॉरी. एंड सेकंड जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ ये वाली, उसके अंदर ए को मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, एंड आफ्टर दैट मुझे बी और एक्स और सी इन दोनों को, ये ऑलरेडी मेरा इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, मैं तो मैं ये वायर यहीं से ही ले लेती हूँ, और इन दोनों के दरमियान मैं एक एंड गेट लगा लेती हूँ. तो यहाँ पर मेरे पास ये फर्स्ट टर्म बन गई विच इज ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी एक्स और सी, राइट? और अब मुझे अपनी सेकेंड टर्म बनानी है. सेकेंड टर्म है बी डॉट सी. बी डॉट सी इन दोनों के दरमियान मैं एक एंड गेट लगा रही हूँ, तो ये मेरे पास बन गया बी डॉट सी. और इन दोनों को, अब मेरे पास दो आउटपुट्स आ गई, इन दोनों को मुझे और करना है फाइनली, तो ये मेरे पास आ गया बोरो. तो अब मुझे इस सर्किट को यूजिंग आईसीज इंप्लीमेंट करना है इन मल्टीसिम. मल्टीसिम के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि हर आईसी हर अपने डिफरेंट नंबर के साथ अवेलेबल है. तो अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन आईसीज के नंबर्स बता देती हूँ, एंड आई होप दैट आपको ऑलरेडी पता है दैट इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे. आपको यहाँ पर चाहिए एक्स और की आईसी, तो उसका नंबर है 7486 एक्स और. और दूसरी आपको आईसी की ज़रूरत है नॉट की, उसका नंबर है 7402. थर्ड आपको चाहिए एंड गेट, उसकी आईसी का नंबर है 7408. और थर्ड आईसी आपको चाहिए नॉट की, सॉरी और की, फोर्थ नंबर पे 7432. तो आप इन आईसीज को सर्च किस तरह करेंगे? आपकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ये 74LS 86 लेट सपोज के नाम से होगी, अगर जो अगर आपने एक्स और फाइंड आउट करनी है तो आप सर्च इसको करेंगे 74LS के नाम से. तो जब आप सर्च कर लेंगे तो आपने सिंपली इन आईसीज को ड्रॉप करना है अपने अपने जो डिज़ाइन सर्किट है, और उस डिज़ाइन के अंदर आपने उन सब आईसीज को और तीन इनपुट्स जो होंगी आपकी इंटरैक्टिव डिजिटल कॉन्स्टेंट्स, उनको आपने सिंपली कनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट. तो जब आपने इवेंचुअली ये सर्किट डिजाइन कर लिया तो आपकी जो आउटपुट्स हैं डिफरेंस और बोरो, दे विल बी फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम बिहेवियर जो आपके ट्रुथ टेबल के अंदर गिवन है. तो अगर आपका ट्रुथ टेबल जो है
अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, अगर आपने एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट सर्किट डिजाइन कर लिया और आपका ट्रुथ टेबल फॉलो हो रहा है, सो दिस मीन्स दैट आपने लैब सही से परफॉर्म कर ली है. एंड इन केस अगर आपकी आउटपुट्स ठीक नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि आपने सर्किट इम्प्लीमेंट करने में कोई ना कोई गलती की है. तो ये डीबगिंग का काम आपको खुद करना पड़ेगा. एंड इन केस अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं, तो आई होप योर टीचर कैन गाइड यू अकॉर्डिंग टू दैट. सो आपको फर्दर अगर किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, या अगर कोई आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी कंसर्न डिपार्टमेंट से कंसर्न कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.